नॉर्मल कठिनाइयाँ हैं वही कठिनाइयाँ है मुझे भी, जो सबको सारे नौजवानों को जब निकलते हैं तो महसूस होती है, वही मुझे भी महसूस। तो अपनी मिट्टी से दूर होकर के और फिर एक हाई सोसाइटी को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। समाज उनमें है कि हम बनौले रख ले हैं, तो जैसे तक तुरंत सब समझ जाला कि ये ओहरे कहाँ हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज, आपके साथ मैं हूं विपिन त्रिपाठी। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाएंगे, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाएंगे, खामोशियों की मौत गंवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूटकर भी खनक छोड़ जाएंगे। आज एक ऐसी शख्सियत को लेकर के आप सभी के बीच में आए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, किसी हस्ताक्षर के मोहताज नहीं है। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, जानने के लिए क्या है, आइए चर्चा करते हैं हम श्री सूरज पांडे जी से, जो एक छोटे से गांव से निकल करके और आज के डेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सुगंध को बिखेरने का कार्य कर रहे हैं। हम स्वागत करेंगे सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहला सवाल हमारा कि एक छोटे से गांव से निकल करके आज आप एक बड़े सफर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफर को तय कर रहे हैं, कितनी कठिनाइयां आपको तय कर मतलब कि झेलनी पड़ी है, चाहे उसे महसूस करते हैं? छोटा छोटे गांव से और छोटे शहर से बड़े शहर में जब आप जाते हैं तो जो नॉर्मल कठिनाइयां हर किसी को झेलने को मिलती हैं, वही कठिनाइयां जैसे आपको अंग्रेजी नहीं बोलना आता, आपको वहाँ के तौर तरीके नहीं पता होते, रहन सहन अलग होता है, तो जो नॉर्मल कठिनाइयाँ हैं वही कठिनाइयाँ मुझे भी, जो सबको सारे नौजवानों को जब निकलते हैं तो महसूस होती है, वही मुझे भी महसूस हुई। आपकी शिक्षा दीक्षा प्राइमरी स्तर से गांव में चिल्लूपार विधानसभा के बभनौली गांव से आपकी हुई, शिक्षा दीक्षा एक नॉर्मल तरीके से ही जैसा कि आपने बातचीत में बताया था, ऐसा कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ा, एक संक्षिप्त परिचय आपकी ही जुबान से हम अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहेंगे। तो ये बड़ा रोचक प्रश्न आपने पूछा है मुझसे, और इसका जवाब भी मुझे देने में बड़ी खुशी होगी क्योंकि शायद ये कुछ लोगों को और इंस्पायर करे। तो यहाँ से निकलने के बाद हमारे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था, तो जब गांव से हम लोग गए थे तो कुछ करने के लिए गए थे, तो ऐसा था कि करो या मरो की जब परिस्थिति होती है तो ऑप्शंस रास्ते बंद हो जाते हैं, और जब रास्ते बंद होते तो आप एक दिशा में चल पड़ते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद मैं वहाँ पे किसी निजी कंपनी में नौकरी में रहा, और नौकरी करते करते रेलवेज के साथ कुछ कुछ काम करने का मौका मिल गया। नौकरी में ही कुछ मैं सेल्स मार्केटिंग में था, तो कुछ प्रोडक्ट बेचने का मौका रेलवे को मैंने एज अ मार्केट एज अ कस्टमर समझ करके उसमें शुरू किया, और धीरे धीरे रेलवे वो पैशन बन गया, धीरे धीरे वो व्यापार से वो किसी जॉब से बहुत बढ़ के हो गया, और वो लगा कि रेलवे जो इतने मिलियंस ऑफ लोगों को ट्रेवल करता है, ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है उतनी डेली यहाँ पे इंडिया में ट्रेवल करते हैं लोग, उसके साथ जुड़ करके गर्व का अनुभव हुआ, और वो उसमें जो है धीरे धीरे हमने प्रगति करना शुरू किया। शुरू में रेलवे के जो टॉयलेट्स हैं उसमें हम लोग लिक्विड सोप जिसे आप हाथ धुलते हैं वो हमने बेचने से अपना व्यापार शुरू किया, और दो लोगों ने शुरू किया। वहाँ से फिर छोटे छोटे कदम लेते हुए निरंतर प्रयास करते रहे कि इसमें आगे जाना है। फिर किसी समय लगा कि एक ट्रेन जो है लगभग एक कोच जो है लगभग 3 करोड़ की बनती है, तो हमारा इसमें कितना शेयर होना चाहिए, हर कोच में जो हिंदुस्तान में बनती है उसमें हमारा कितना शेयर होना चाहिए। तो किसी समय हमने टारगेट 20,000 रुपये का रखा पर कोच का, उसको बढ़ाते बढ़ाते हम 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक के शेयर पे हम लोग इस समय पहुँचे। निरंतर प्रयास जो इस मूल मंत्र जो था वो निरंतर प्रयास था, और नहीं लौट पाने की मजबूरी थी। आज की डेट में क्या लग रहा है कि आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अपने कार्य क्षेत्र में कितना मतलब प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़कर के उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं?
देखिए, मैं भी बहुत कुछ तो नहीं कर पा रहा हूँ, बट जो मेरे हाथ में अभी जो इमीडिएट चीज़ थी, वो मुझे लगा कि कुछ रोज़गार के अवसर तैयार करने चाहिए, कुछ रोज़गार यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने पहली बार गोरखपुर का जो रेलवे कारखाना है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया। वहाँ पे करीबन 200 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। इसके बाद मैं हमारे पास रायबरेली में, बिलासपुर में, चेन्नई में, पंजाब में, आसाम में, कलकत्ता में, मध्य प्रदेश में, हर जगह पे हमारे पास रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट हैं। और हर एक साइट, मान लीजिए कि लगभग हमारे पास 72 से 75 के बीच में हमारे पास डिफरेंट साइट्स हैं। वहाँ पे आपको हर जगह पे चिल्लू पार के लोग मिल जाएंगे। लगभग 600-700 से ज़्यादा लोग अपने यहाँ के हैं जो हर जगह पे काम कर रहे हैं। तो उसे रोजगार सृजन करने का जो मैं छोटा सा एक प्रयास कर सकता था, वो मैंने किया है। क्षेत्र में देखा गया है कि एक आपके लेवल पे पहुंचने के बाद बहुत से ऐसे लोगों का उदाहरण भी देखा जा गया है कि जब वो एक लेवल पे पहुंचते हैं तो अपनी मिट्टी से दूर होकर के और फिर एक हाई सोसाइटी को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, जबकि आपके साथ ऐसा नहीं है। आप अपनी मिट्टी से जुड़ करके और यहाँ के लोगों के लिए कुछ सोच रख रहे हैं, क्या ऐसा सोच रख रहे हैं? बात जरूरत की है, उनको इसकी नहीं ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत है। तो और जब बात ज़रूरत की होती है तो आपको काम करना ही पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अगर सब लोग ऐसे पलायन ही कर गए, लौटेंगे नहीं, तो फिर बाकी लोग जाएंगे कैसे, रास्ता कौन बनाएगा? तो जिस तरह से रामायण में वो गिलहरी का योगदान था, जो अपने छोटे से मुंह से छोटा छोटा कंकड़ लेके आ रही थी और पुल निर्माण करने में उसने सहयोग किया, तो वही गिलहरी मेरे लिए एग्जाम्पल है कि मैं वो अपना छोटा सा योगदान कर सकता हूँ, वही कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति की तरफ आप अपना मुख मोड़ रहे हैं, इसलिए ऐसा आपका ये प्रयास यहाँ पर माध्यम गिलहरी प्रयास बन रहा है? हमको लगता है कि व्यापारी के लिए राजनीति ठीक नहीं है। व्यापारी, कई ऐसे व्यापारियों को देखा गया है जो राजनीति में हस्तक्षेप किए भी हुए हैं। बहुत फेलियर रेट ज़्यादा है ऐसे, या तो व्यापार में सक्सेस हो गए या राजनीति में सक्सेस हो गए। दोनों में एक साथ बहुत सक्सेस होना मुश्किल है। एक लेवल तक सक्सेस होना ठीक है, जैसे कुछ लोग व्यापारी हैं, उनके पास थोड़ा धन है तो वो राजनीति में चले गए, किसी सेवा के मकसद से चले गए या किसी और मकसद से चले गए। हमको लगता है कि जनरली राजनीति में बहुत अच्छे लोग हैं और वो उसे सेवा के मकसद से गए हैं और वो कुछ कुछ वहाँ पे काम कर रहे हैं। बट मेरा कोई अभी तक ऐसा उद्देश्य है नहीं और शायद कभी नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। युवाओं के लिए आप एक आइडियल है, बहुत कम समय में जिस तरह से आपने अपने संघर्ष को बताया कि संघर्ष करने के बाद में किसी भी कार्य क्षेत्र के लिए संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करके आप एक अपना स्थान बनाए हैं, तो आज के युवाओं के लिए क्या संदेश आपका रहेगा? मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक दिशा चुनिए। आप सब सब्जेक्ट के मास्टर नहीं हो सकते हैं, आप लेकिन आपके पास एक सब्जेक्ट कोई भी ऐसा होना चाहिए जिसके आप मास्टर हों, जिसमें आपका कोई हाथ ना रखने वाला। अगर आप खेलना जानते हैं बहुत सारा खेलिए, आप क्रिकेट जानते हैं क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल जानते हैं फुटबॉल खेलिए, तैराकी जानते हैं तैराकी करिए, पढ़ाई जानना चाहते हैं पढ़ाई करते हैं बहुत अच्छा तो आप पढ़ाई करिए, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं तो आप उस दिशा में अपना करियर बनाइए। जो दिशा आपको सूट करती हो, जो दिशा आपको एनर्जी देती हो, जिस काम को करके आपको मजा आता हो, नैतिकता का पतन किए बिना अगर वो दिशा अचीव हो सकती है, तो कृपया आप उसी रास्ते पर जाएं। आप इधर उधर के 10 रास्तों पर नहीं जाएं, एक ही साधे सब, सदे सब, साधे सब जाए, मेरा ऐसा इस मानना है इस बारे में। क्या उद्देश्य अपने क्षेत्र के लिए है कि कितना आप अपने क्षेत्र के लिए लोगों के जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं के लिए आपकी क्या सोच है? पता नहीं ईश्वर कैसे करेंगे, मुझे नहीं पता है, बट सोच बहुत सकारात्मक है। जैसा मैंने पहला कदम जो ले सकता था कि लोगों को रोजगार दे सकता था, वो मैंने कुछ कुछ अपने आप को थोड़ा सा ये मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझ पर कृपा करी कि मैं वो कर पाया। इसके अलावा खेलों में रुझान है, क्योंकि हम लोगों को ठीक से खेलने को मिला नहीं था यहाँ पे, तो लगता है कि खेलों की तरफ अपने युवाओं का ध्यान आकर्षित करें।
और उनके लिए यहाँ पे सुविधा उपलब्ध करें। दूसरा, शिक्षा का स्तर थोड़ा सा डाउन है, ऐसा लगता है कि उस दिशा में प्रयास किया जाए जिससे कि शिक्षा का स्तर यहाँ पे बढ़ सके और टीचर की गुणवत्ता बढ़ सके, बहुत अच्छी हो सके, जिससे कि बच्चों की भी एजुकेशन की गुणवत्ता बढ़ सके। और क्योंकि ये भविष्य बनाएंगे, अगर आप गलत खेत में सही बीज भी डालेंगे तो शायद आपको वो रिजल्ट ना मिले जो आप उम्मीद कर रहे हैं। तो करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, देखिए सफलता कहाँ तक मिलती है और कितना सहयोग रहता है, बिकॉज हम लोग को भी बड़ा उत्साह मिलता है जब यहाँ से भी लोग उसी तरह से, उसी एनर्जी से, उसी प्रेम से, उसी भाव से, उसी विश्वास से, उसी ताकत से आगे आते हैं। मेरा मानना है कि जो मैं अभी तक फॉलो करता हूँ कि आपके जो लोग हैं, आपका जो पटीदार है, आपका जो भाई है, वो बहुत ताकतवर होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए, वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, वो आपके आगे गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। अगर आप ताकतवर हैं तो आप उस, आपका धर्म बनता है कि आप उसको ताकतवर बनाएं ताकि वो बाकी लोगों के लिए कुछ कर सके। एक एक जने अगर एक कुछ कुछ लोगों के लिए भी करे, एक जने के लिए भी करे तो भी बहुत है, तो भी हो जाएगा कल्याण, मतलब पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है। आपकी बातों में भोजपुरी की मिठास झलक रही है का लागत, बाकी यहाँ जोन कठिनाई की आप झेले बाटी, वो कठिनाई के अपने उद्देश्य के तहत यहाँ के आने वाली पीढ़ी के ना झेले दे। भोजपुरी तो एकदम रग रग में बैठे, हम बहुत हम उनके इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत काम करने, लेकिन टोनवा जन बाय कि हम बनौले रख ले हैं, तो जैसे तक तुरंत सब समझ जाला कि ये ओहरे कहाँ। तो आप देखिए, हम अपने गाड़ी का नंबर भी जन बाय UP 53 के नंबर से ले ले हैं, ऐसे कि वो दिल्ली में या लखनऊ में चले तो सभी जाने कि अरे अपने यहाँ का घर, तो क्योंकि कोनो जरूरत हो के तो उसमें आपसे संपर्क कर सके कि ए भैया तुम देखवा कुछ जरूरत बाकी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ये थे हमारे लिए और अपने क्षेत्र के श्री सूरज पांडे जी, जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने एक ख्याति को बिखेरे हुए हैं। आपको देख करके एक बात आती याद आती है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। आगे अगले पड़ाव पर आप सभी से जल्द मुलाकात होगी हम तो पूछेंगे के तहत। धन्यवाद।